गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल एम टी फोन वर्ल्ड। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 3 फोन्स अंडर 15,000 रुपीज़, जो कि बेस्ट 3 फोन्स हैं। तो मैं आज बताऊँगा इन्हीं के बारे में, ये कौन से फ़ोन्स हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं, किस कंपनी के हैं और क्या क्या स्पेक्स हैं इनके। और तो नंबर वन पे हमारा आ जाता है रेडमी नोट 11T 5G। तो इसकी जो प्राइस है वो 15K to 16K स्टार्ट हो जाते हैं, बाकी जो एमआई के। तो ये इनकी जो प्राइस होती है वो अप्स एंड डाउन होती रहती है, तो वो आप ऑफ़र के हिसाब से देख लीजिएगा आपको कौन सा ऑफ़र मिलता है उस टाइम पे। फिलहाल ये 15,000 के आसपास में बेस्ट फ़ोन है आपके लिए। तो डिस्प्ले इसमें 6.6 इंच के इंचज़ की फुल HD प्लस IPS 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले आपको मिल जाती है। प्रोसेसर इसमें मीडिया टेक का डायमेंसिटी 810 दिया गया है। 7 बैंड्स 5G के दिए गए हैं। रैम रोम की बात करें तो 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज इसमें आपको मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी है। 33W का फास्ट चार्जिंग है। अनलॉक स्पीड ठीक ठाक है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, ज़्यादा कि रेडमी के फ़ोन्स में जो आपको है या तो बैक साइड फिंगर सेंसर मिलता है या साइड माउंटेड ही मिलता है आपको। तो नेक्स्ट बात करें तो कैम इसमें 15MP प्लस 8MP का आपको देखने के लिए मिलता है। देन फ्रंट में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। और प्राइस मैंने आपको इसकी बताई दी गई है कि फ्लैक्चुएट करती रहती है 15 से। फिलहाल फ़ोन की बात करें तो ये आता है IQ की तरफ से Z6 5G। फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लुक डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा है। वीवो की रीब्रांडिंग कंपनी है जो कि IQ Z6 5G फ़ोन है। डिस्प्ले इसमें 6.58 इंचज़ की फुल HD प्लस IPS पैनल देखने के लिए मिलता है, जिसमें 120Hz डिस्प्ले रेट मिल जाता है आपको, रिफ्रेश रेट मिल जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है इसको Z6 के में। और बाकी प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर दिया गया है, जो कि इस प्राइस पॉइंट में काफ़ी ठीक ठाक है। रैम रोम की बात करें तो आपको ये जो वेरिएंट है यही अंडर 15,000 में मिल जाता है, जिसमें 4GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने के लिए मिलती है। बैटरी इसमें 5000mAh मिल जाती है आपको। फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। और इसमें जो कैमरे हैं वो हैं 50+2+2 MP के बैक एंड 16 सेल्फी कैमरा। और प्राइस मैंने आपको बताई दी गई है कि 14999 का ये आपको मिल जाएगा। बाकी ऑफलाइन आप चेक करेंगे तो इससे 100, 200, 500 रुपये और भी नीचे मिल सकता है। देन नेक्स्ट फ़ोन की हम बात करें तो ये फ़ोन आपके लिए बेस्ट है जिसको क्लीन UI पसंद है, मतलब एक स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस लेना चाहता है कोई। तो नंबर 3 पे हमारा है मोटो G40 फ्यूजन। फ़ोन काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले एंड इसकी डिज़ाइन वगैरह सब चीज़ एकदम बढ़िया ही है। और बाकी इसकी बात करें तो प्राइस की, तो प्राइस आपको ये अंडर 15,000 में ऑफ़र लगा के आपको मिल जाएगा। बाकी इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो स्नैपड्रैगन 732G है, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है इस प्राइस रेंज में। तो इस प्राइस पॉइंट में आपको 732G मिलता है, तो कोई बेकार बात नहीं है, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। डिस्प्ले इसमें 6.8 इंचज़ की फुल HD प्लस IPS 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि HDR10 को सपोर्ट करती है। रैम रोम बात करें तो 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। और बैटरी की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी बैटरी दी गई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो कि है 6000mAh। और फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है 20W। और बाकी इसके कैम की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैम आपको देखने के लिए मिल जाता है एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है। तो यही थे आज के अपने 3 फोन्स।